गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आगरा से आने के बाद हम आ गए हैं वृंदावन में प्रेम मंदिर में। तो चलिए आपको प्रेम मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये देखिए प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर, भीड़ देखिए गाइस, भीड़ देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़। देखिए गाइस प्रेम मंदिर, जनसमूह राधे राधे। बैंगनी हो गया बैंगनी, ये देखो गाइस बहुत ही सुंदर रेड हो गया। परिक्रमा नहीं होना पता कोई है? अच्छा परिक्रमा करनी बस। तो गाइस बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रेम मंदिर, इसकी मतलब एक एक मिनट बाद लाइटिंग चेंज हो रही है, अलग अलग कलर की। पापा जी भी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। देखो अपार जनसमूह, देखिए अभी येलो कलर का है, अभी चेंज हो जाएगा, ग्रीन होने लग गया है और ग्रीन हो गया और मंदिर ग्रीन हो रहा है और मैं ब्लैक हो रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, पीछे से दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर अद्भुत। देखिए भीड़, भीड़ की तो कोई वो नहीं है, अपार जनसमूह। देखो अपार जनसमूह, राधे राधे। ये देखो भाई, अरे ये कतरी कौड़ी। यहाँ पे गौ माता भगवान कृष्ण राधा बाल बाल, बहुत ही सुंदर संगीतमय फवारा। अभी यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी झांकियाँ फव्वारे वगैरह उड़ रहे हैं। चेक करो गाइस बहुत ही सुंदर, तो लाइक तो बनता है एक प्रेम मंदिर के लिए। ये देखिए रथ में कृष्ण और अर्जुन, जब कृष्ण जी ने उपदेश दिया था कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करना थे तब पूरी कौरवों की सेना मतलब वो हो गई समाप्त। अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूँ। युगल विहार उपहार ग्रह, सामने पे इनका मोमेंटम चल रहा है बहुत ही बढ़िया, झांकियां बहुत सुंदर, रासलीला। प्रेम मंदिर लव टेंपल, इंग्लिश में लव टेंपल। लाइक दबा देना कमेंट में, यू क्या लिखे हो, कुछ लिखे हो पर्वत। और गाइस ये है गोवर्धन पर्वत, जब भगवान इंद्र ने 7 दिन तक लगातार बारिश की और बारिश के कारण इतनी बारिश होने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था।
थामे हो कने हो जाय तो सकती ना ना यू थोड़ थामे हो यू तो पोर कुछ बने होले पर यू थोड़ी असली पर हां मेवा से नहीं बने पर यू लाखड़ पट्टी क्यों बने बाप है ये क्या बांस है लाखड़ का बांस है कई ये कंच डाउ भी अब ना वो पोर बेटी ना ये इन बांस की लकड़ियों पे टिका हुआ है यही तो करिश्मा है ये बार बार कलर बदल रहा है देखिए अभी ग्रीन हो जाएगा ये देखिए हो गया तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे मंदिरों में घूम के अभी कल हम और भी मंदिर में घूमेंगे वो आपको आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे और ताजमहल वाला ब्लॉग आपने देख लिया तो कैसा लगा आपको और ये वाला ब्लॉग कैसा लगेगा वो भी कमेंट में बताएं यहाँ आगे पे भी बहुत सी झांकियाँ है अभी उनको भी आपको दिखाते हैं तो बने रहिए वीडियो में ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कृष्ण राधा और गोपियाँ बहुत ही सुंदर लीला ये देखिए गोपियाँ रास रचा रही है और कृष्ण राधा जी बीच में बहुत ही सुशोभित बहुत ही प्यारे लग रहे हैं प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है गाइस बहुत ही ज़्यादा बहुत फुल भर रखा है पूरा स्टेडियम और गाड़ी और भी यहाँ पे भी सरोवर है यहाँ पे देखिए कृष्ण राधा जी कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं राधा जी उनको आनंद ले रही है बांसुरी का राधा जूम हो गया चलिए यहाँ से आगे चलो अब गाइस आपको बोर नहीं करेंगे और आगे पे बहुत ही सुंदर दृश्य है यू क्या पर बोलो शादी शादी में जो है हवन के कुंड में लाल लाल अग्नि पूरा ग्राउंड जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ है इस गेट से हम अंदर एंटर हुए थे प्रेम मंदिर चलो पापा जी का मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है चलिए गाइस तो गाइस फाइनली अब प्रेम मंदिर से बाहर जाने लग गए हैं तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड